एक महीने से। हाँ यही थी, 22 तारीख से बैठा हूँ हम लोग। खाना खाना किधर कौन? अरे सर काम नहीं करता है तो ऐसे खाने को मिलेगा? किधर से आएगा खाने को? अरे इनको इधर कहाँ से आया? यूपी से, पूरे यूपी के। यूपी में कौन सा गाँव? गोरखपुर। क्या काम करते हो इधर? कितने दिन से है इधर? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल यहाँ कितने लोग हैं? 15 लोग है। घर भी जाते हैं, घर भी जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी इतने जाते हैं। देश नहीं जाते आप? जाते हैं। कब जाते हैं? 4-5 महीने जाते हैं। 4-5 महीने में एक बार जाते हैं। फैमिली उधर है? आपको खाना पाना कैसे इधर? हम लोग बनाता सर अपने आप। अब बनाता है? अब लॉकडाउन से कैसा चल रहा है? लॉकडाउन से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या करें, रिक्वेस्ट करना है, ट्रेन चल नहीं रही है, गाँव को चले जाए। गाँव को जाने के बाद से नहीं, खाने के वास्ते कुछ है आपके पास? खाने में कुछ नहीं है सर। फिर कैसे कर रहे? अब थोड़ा थोड़ा चलता है सर। दुकान से दुकान दुकान से उधार चलता है। सब्जी वगैरह आपको कोई मदद नहीं है गवर्नमेंट से? तहसीलदार आ रहे तो कुछ नहीं दे? आप उनसे पूछे भी नहीं? कोई आया भी नहीं, कोई पूछने भी तक नहीं आया। अरे तुमको बताना चाहिए कि हम लोग इधर फंसे हुए हैं, क्योंकि पूरे देश में चल रहा है कि जहाँ जहाँ लोग फंसे हैं उनको उनके वहाँ से खाने का इलाज करो, बंदोबस्त करो बोलते। अब यहाँ पर भी क्या गए इंतजाम किया गया है म्यूनसिपालिटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से? तुम लोग यहाँ बैठे तो कैसा मालूम होगा? सर हम लोग को मालूम नहीं ना, इसलिए। अब ऐसा करो, जैसे ही तुम्हें पुलिस मैन आते ना, पुलिस मैन आते ना, उनके समीप जाके खड़े हो जाओ, उनके बताना भाई दूरुं दूरुं। लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं यहाँ पर है, हमारे को खाने की तकलीफ है, हमारे को खाना मुहैया करो। तो क्या करेंगे वो, ऑलरेडी गवर्नमेंट से एक सेंटर चला रहे, तो आप वो तहसीलदार कहा था ना उसको भी बता दो, और जो पुलिस वाला था उसको बता दो। तो क्या करेंगे वो आपका नाम रजिस्टर करके आपको वहाँ से खाना दिलाएंगे। अगर वो बना के खाना दे रहे हैं तो खाना मिल जाएगा, या नहीं तो आपको चावल सब्जी जाए ना वो मुहैया कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट से मिल रहा है। आप खामोश रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, समझ में आया ना? क्या नाम तुम्हारा? योगी। आपका नाम? विजय। विजय राजू कपिल देव। जरा जोर से बोलो। कपिल देव। दूर करना थोड़ा, दूर करना। हाँ तुम दूर करो, दूर 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 करो, नजदीक नहीं रहना। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अब तुम नौ। कितना कितना जना? पूरा कितने लोग? 15 मेंबर्स बाकी। आपको पैसे है? नहीं, बहुत कमाए होंगे ना पैसे? पैसा नहीं, जो आपसे पहले कमाए एक महीना उसे खा गए बैठ के, पूरे खा गए। घर को नहीं भेजा पैसा? नहीं, से भी नहीं लगाया? नहीं लगाया। हाँ तो तुम्हारे योगी को कर देना कि उत्तर प्रदेश से बहुत सप्लाई कर रहे हैं ना, वो नहीं कर देंगे? वो नहीं कर रहे हैं। आप बताए उनको कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं? नहीं। हजारों के लोगों को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। 1800 लोग को क्या है वो वहां से गुजरात भेज दिए हैं, 100 गाड़ियों में, स्पेशल बसेस में। तो आप क्या है, आपके पास अगर आपका MLA का या आपके मिनिस्टर का या योगी का नंबर है तो उनको बता देना कि हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमारे इंतजाम कुछ इंतजाम करो। तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को बता देंगे, वो गवर्नमेंट तुम्हारा सब इंतजाम देखभाल करेगी जितने दिन होगा उतने दिन तक, समझ में है ना? हाँ यही है, जैसे आप आते ना बता देना, मैं भी बता देता हूँ। अब तुम्हारे मैं ये जो तुम्हारे पास जो गुजर रहे मैं उसको बता देते हैं, तहसीलदार को तो बताता हूँ और म्यूनसिपालिटी को बता देता हूँ, कमिश्नर को। हाँ आप उनको आप निश्चिंता से रहे, क्योंकि देश में ये विपत्ति आई है जिसको हम सामना करना है, समझ में है ना? हिम्मत से रहो, हम सब हिंदुस्तानी है, हम आपका साथ देंगे जरूर ब जरूर, समझ में आया? अच्छी बात। अब तो फिलहाल कुछ है आपके पास? फिलहाल है। कितने दिन तक चलेगा? 2 दिन चलेगा। अच्छी बात। हाँ तब तक इनका इंतजाम हो जाएगा। जय हिंद। దేశం మొత్తం లాకౌట్లో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కార్మికులు నివసిస్తారనేది తెలుసు, వాళ్లకు
పనులు లేక పస్తులు ఉంటున్నారు. అలాంటి పరిస్థితి రాజధానిలో కూడా ఎదురైంది. నిన్న మనం చూసినామంటే రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చిన 9 మంది ఉండే ఒక ఫ్యామిలీ గురించి మీకు విషయం తెలియజేయడం జరిగింది. చాలామంది వచ్చి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నారు. అలాంటిదే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న ఈ ఇంటిలో ఉత్తరప్రదేశ్ గోరఖ్పూర్ నుంచి వచ్చిన దాదాపు 16 మంది పెయింటింగ్ కార్మికులు ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు. గత నెల నుంచి వాళ్లకు ఎలాంటి సౌకర్యం లేదు, తిండికి కూడా అవసరాలుగా ఉన్నాయి. అందుకనే వాళ్లను మీరు ఆదుకోవాల్సినగా తెలియజేసింది. ఈ విషయాన్ని మనము తహసీల్దార్ దృష్టికి, అదేవిధంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకుపోతున్నాము. వాళ్ళు వలస కార్మికులకు వసతి గవర్నమెంట్ పరంగా కల్పిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఈ వసతిని కల్పించాలని కోరికలు ఉంటున్నది. మనకు అనంతపురం రోడ్డు మాస్ ఎడ్యుకేషన్ ఎదురుగా ఉన్న ఈ ఇంటి కనిపిస్తున్నది కదా, దీంట్లోనే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. 2 ఇండ్లలో వీళ్ళు నివసిస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్లకు మనసున్న మహానుభావులందరూ దయచేసి వాళ్లకు సహాయం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన రాయదుర్గం.